जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, जानेंगे इस कारोबारी सप्ताह नॉन एग्री कमोडिटीज यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रूप देखने मिलेगा। शुरुआत गोल्ड और सिल्वर से करते हैं। जिस तरह से उम्मीद थी, निचले स्तरों से गोल्ड और सिल्वर में रिकवरी दिखाई दी है, जहां पर हमने गोल्ड में करीबन 51,000 से प्राय दाम बढ़ के लगभग 52,000 के करीब जाते हुए देखे। वहीं पर चांदी में 67,000 से दाम बढ़ के लगभग 69,000 के लेवल हमें इस हफ्ते टेस्ट होते हुए दिखे। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी हमने गोल्ड में एक अच्छी रिकवरी देखी है। 1890 से बढ़कर लगभग दाम $1965 के करीब गए थे और जो हफ्ते की क्लोजिंग आई है वो $1957 के करीब देने में कामयाब हुआ है। तो इसके पहले अगर हम चर्चा करें तो काफ़ी बड़ी गिरावट देखी गई थी एक बहुत बड़ी रैली के बाद। तो जो गिरावट थी वो $2070 से करीबन $1890 की थी, क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग का रुख हमें देखने मिला था लंबी बढ़त के बाद। वहीं चांदी में भी हमने डोमेस्टिक बाज़ारों में यानी M6 पर करीबन 73,000 से लेकर 67,000 तक का एक फॉल देखा था। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही काफ़ी बड़ी करेक्शन के बाद पिछले दो हफ्तों से प्राइसेस जो हैं वो संभल रही हैं और धीरे धीरे फिर से ऊपर की तरफ रुख कर रही हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में ये जो रुझान है ऊपर का वो बना रहेगा। M6 पर देखा जाए तो 51,500 से 51,400 के बीच प्राइस जो है वो सपोर्ट लेंगे, ऐसा मेरा मानना है गोल्ड में। और ऊपरी स्तरों में 52,400 और उसके बाद 52,850, ये दो लेवल है जहां पर हम एक टारगेट लेके चल सकते हैं। वहीं अगर हम स्पॉट गोल्ड की बात करें तो $1985 और उसके बाद $2005 का एक लेवल है जहाँ पर प्राइस जो है वो शॉर्ट टर्म में टारगेट कर सकते हैं। तो जो रुख रहेगा गोल्ड में वो बाय ऑन डिप का हो सकता है, यानी जो भी रीजनेबल एक करेक्शन हमें देखने मिले वहाँ पर हम खरीद सकते हैं। वहीं चांदी में भी 67,000 का एक इमीडिएट सपोर्ट है और जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव है पॉसिबल है कि 70,500 और उसके बाद लगभग 71,800 तक एक्सटेंड कर जाए। हालांकि ये ज़रूर कहूँगा कि इस तेज़ी के बाद गोल्ड और सिल्वर में दोबारा मुनाफा वसूली आ सकती है, तो बहुत बड़ा अपसाइड नहीं है, लेकिन करंट लेवल से करीबन 1.5 से 2% का अपसाइड हमें गोल्ड में देखने मिल सकता है। और उसी प्रकार अगर हम चांदी की बात करें तो 3 से 3.5% की एक अपसाइड मूव हमें देखने मिलेगी, ऐसा एक व्यू बन रहा है। वहीं पर अगर हम क्रूड ऑयल की चर्चा करें और नेचुरल गैस की बात करें तो दोनों में ही उठापटक का माहौल रहा, खास करके कच्चे तेल में, जहां पर हमने 10,000 के करीब से बाज़ार को फिसलते हुए देखा था 7,100 के करीब, और वहां से काफ़ी बड़ी और काफ़ी एक सस्टेंड तेज़ी हमने 8,850 के करीब आते हुए देखी। और हफ्ते का जो क्लोज था वो भी पॉजिटिव हुआ है 8,620 के आसपास। ऐसा लगता है कि जो तेज़ी है जब तक 8,200 के स्तर होल्ड कर रहा है बाज़ार तब तक बनी रहेगी, और ऊपरी स्तरों में 8,850 का पहला लक्ष्य लेके चल सकते हैं और उसके बाद अगर दाम और ऊपर निकलते हैं तो 9,100 से 9,200 तक की तेज़ी भी हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म दिखाई दे सकती है। यहाँ पर हमने देखा है कि न्यूज़ ड्रिवन काफ़ी मूवमेंट हो रही है, जहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच जो तनाव है वो बना हुआ है। उसके साथ साथ ये भी अटकलें हैं कि यूरोप जो है वो कच्चे तेल का जो आयात है उस पर रोक लगा सकता है या उसमें कमी ला सकता है। वहीं हमने सऊदी अरेबिया की जो ऑयल फैसिलिटीज़ है वहाँ पर आतंकी हमला होते हुए देखा है, जिससे फ़िलहाल तो खास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन एटलीस्ट सेंटिमेंट पे इम्पैक्ट हुआ है। प्रोडक्शन पे हालांकि एज ऑफ नाउ इम्पैक्ट नहीं हुआ है या बहुत टेम्प्ररी इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन सेंटिमेंटली जो एक रुझान है वो क्रूड में ऊपर की तरफ बना हुआ है। वहीं नेचुरल गैस में हमने देखा कि लगभग 1.5 महीने की ऊंचाई पे बाज़ार ने क्लोज दिया है 412, जो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो हम पिछले काफ़ी समय से डिस्कस कर रहे थे, वो निकाल के
प्राइजेस ने 425 से 426 के करीब क्लोजिंग दी है और ऐसा लगता है कि एटलीस्ट एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है 412 के आसपास। जब तक दाम इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं डेली और वीकली क्लोजिंग बेसिस, तब तक ये जो तेज़ी है वो 445 और उसके बाद 480 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। तो तेज़ी का रुख नेचुरल गैस में बना रहेगा। निचले स्तरों में हमने 355 से 330 के करीब काफ़ी सपोर्ट आते हुए देखा है और फिलहाल जो बाज़ार है वो तेज़ी की तरफ इशारा कर रहा है। वहीं बेस मेटल्स में भी काफ़ी वॉलीटिलिटी हमने आते हुए देखी है पिछले हफ्ते में, जहां पर कॉपर में हमने 800 के नीचे के स्तरों से 830 तक के दाम देख लिए और जो क्लोजिंग थी वो 819 के करीब दी है। वहीं पर जिंक और एल्यूमिनियम में भी काफ़ी चौपिनेस हमें दिखाई दी है। तो आगे जो रुख रहेगा, ऐसा लगता है कि शुरुआती दिनों में यानी एक या दो सेशन में आने वाले हफ्ते की हमें कॉपर में नरमी का रुख देखने मिलेगा, क्योंकि लगभग 829 से लगातार एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिली है और ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये दाम को 808 से 805 तक लेके जा सकती है। लेकिन ओवरऑल निचले स्तरों से दोबारा बाइंग एमर्ज होगी, ऐसा एक व्यू बन रहा है। वहीं पर हमने जिंक में भी देखा कि जहां इसी हफ्ते में लगभग 348 के दाम देखे गए थे, उसके बाद 338 के करीब की क्लोजिंग आई है। निचले स्तरों में 331 से 32 के आसपास सपोर्ट भी मिला है। तो जब तक शॉर्ट टर्म बेसिस 328 के लेवल होल्ड कर रहा है, तब तक जो डिप आती है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और अपसाइड में ऐसा लगता है कि 352 तक ये जो रैली है ये एक्सटेंड हो पाएगी। वहीं एल्यूमिनियम में फ़िलहाल नरमी का रुख दिखाई दे रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम में हमने 301 से लगातार गिरकर 283 284 तक के भी लेवल देख लिए। हालांकि जो हफ्ते का क्लोजिंग है वो 291 के ऊपर देने में प्राइसेस कामयाब हुई हैं। फ़िलहाल आने वाले हफ्ते में ऐसा लगता है कि 295 से 296 के करीब एल्यूमिनियम प्राइसेस में एक रेजिस्टेंस देखने मिलेगा और वहां से एक तकनीकी बिकवाली हमें देखने मिल सकती है, यानी एक करेक्शन देखने मिलेगी जो दाम को हो सकता है दोबारा 282 के करीब लेके जाने में सक्षम हो। तो एक मिला जुला सा रुझान बेस मेटल्स में देखने मिलेगा, यानी कॉपर में पहले प्राइसेस में नरमी आके दोबारा तेज़ी देखने मिल सकती है। जिंक में भी बाय ऑन डिप किया जा सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम में एट द सेम टाइम ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हावी हो सकती है। M6 निकल में फ़िलहाल अभी प्राइस में स्टेबिलिटी नहीं आई है और जो बिड और आस के बीच फ़र्क है, जिसे हम इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं, वो अभी काफ़ी ज़्यादा है। यानी रिटेल निवेशक हैं जो ट्रेडर्स हैं वो दूर रहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एक इलिक्विड मार्केट है। लंदन मेटल एक्सचेंज यानी LME पर भी हमने देखा है कि एक सर्किट लिमिट लगाई गई है जो लगभग 15% की है, और उससे ज़्यादा अगर दाम जाते हैं या अपसाइड में या डाउनसाइड में इधर साइड तो ट्रेडिंग पे रोक लग जाती है। तो एक इलिक्विड मार्केट वहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और इनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है ऑलरेडी, फ़िलहाल वही इसमें ट्रेड करने को सोच रहे हैं। वहीं पर M6 लेड में कुछ ज़्यादा बैंड नहीं देखने मिला है, डाउनसाइड में 180 और अपसाइड में 185-86 के करीब का दायरा है और ऐसा लगता है ये दायरा फ़िलहाल बरकरार रहेगा। तो ये था एक जायज़ा कि मेजर नॉन एग्री कमोडिटीज़ यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में आने वाले कुछ समय में क्या रुख देखने मिलेगा। धन्यवाद।